आप सभी लोगों का हमारे शमास गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज इन स्वीट पेज के बारे में हम बात करेंगे, जो बहुत खूबसूरत फूल होते हैं और बहुत प्यारे हमारे विंटर में हमारे गार्डन को सजाते हैं। ये हमारे कब ग्रो किए जाते हैं, कब लगाए जाते हैं, कब इनके सीड्स कलेक्ट करने चाहिए, सही जानकारी इस वीडियो में आपको पूरी मिलने वाली है। इसके अकॉर्डिंग और भी आप कोई भी जानकारी हमसे चाहते हो तो हमारे वीडियो पे आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना जरूर देखिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, ये बहुत प्यारी फ्लावरिंग का टाइमिंग होता है और ये बहुत अच्छे से ग्रो भी हो जाते हैं, कम मेंटेनेंस मांगते हैं और बहुत हार्डी होते हैं। इनको ग्रो करने का टाइमिंग है अक्टूबर से नवंबर तक के वीक में आप ग्रो कर सकते हैं, और नवंबर से स्टार्टिंग करते हैं फ्लावरिंग, आपको अप्रैल मई तक ये फ्लावरिंग करते हैं। बहुत खूबसूरत आता है लुक, जैसे कि हम लोगों ने मटर देखी है, मटर की तरह फूल होते हैं, मर मटर का फूल एक ही कलर का होता है और ये कई डिफरेंट कलर होते हैं। हम इसको ईट नहीं कर सकते, हम इनके मटर को फलियों को हम खा सकते हैं, इनकी फलियों को हम नहीं खाते कि हमारी फ्लावरिंग का टाइमिंग। देखिए, फूल बिल्कुल मटर की तरह फलियाँ इसकी लगती हैं और ये हैं इनके सीड्स। कब ग्रो करने हैं, कैसे ग्रो करने हैं ये भी बताऊंगी, और कब कलेक्ट करने हैं इनको वो भी बहुत अच्छा महीना बताऊंगी, जिससे आपके कभी भी सीड ख़राब नहीं होंगे। चलिए, इनकी पहले मैं जानकारी बता देती हूँ कैसे इनको कौन सी मिट्टी पसंद है, कैसे सनलाइट पसंद है। तो सबसे पहले तो आप इनकी चाहे नर्सरी से प्लांट ला सकते हैं या इनकी सीडलिंग कर सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका बता दिया। आप हम बात कर लेते हैं इनको पॉट कैसे चाहिए। इनको कम से कम 10 इंच से लेके आप 5 इंच की भी पॉट में लगा सकते हैं, ज़्यादा रूट्स इसकी बड़ी नहीं होती हैं और इन प्लांटों को फुल सनलाइट पसंद है, विंटर की फुल सनलाइट है। अगर आप ग्राउंड में लगा रहे हैं तो ग्राउंड में आप फुल सनलाइट में लगाइए, आपको ये अप्रैल तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने वाले हैं। अब पूरे गार्डनों को भर देते हैं या कवर करना है आपको, या हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं कि नीचे साइड में लटके, बहुत खूबसूरत आपके बास्केट लगने वाला है। एक बॉट में कम से कम 3 प्लांट 4 प्लांट लगाइएगा। ये बेल होती है, बेल की तरह चढ़ती हूँ, ज़्यादा लंबाई नहीं होती, 3 फीट तक होती है, 4 फीट तक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ये बेल की तरह चढ़ेंगी और बहुत खूबसूरत फूल आपको प्रोड्यूस करते रहेंगे। मिट्टी कैसी, वेल्डन सॉइल, जो हम लोग हमेशा अपने गार्डन में ऐड करते हैं, थोड़ी रिच सॉइल इनको चाहिए होती है, थोड़ी सी रिच सॉइल दीजिए आप। 20 दिन के अंतराल में इसको आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या गोबर की खाद दे सकते हैं, जिससे ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये कोशिश ज़रूर आप करते रहिए। अगर आपने इनके आपके घर में लगे हों तो इस तरह से वेटिंग कीजिए, वेट कीजिए अप्रैल के लास्ट वीक से, आप जो फलियाँ हमारे फ्लावर प्लांट बनती हैं उनको उसी में छोड़ दीजिएगा, उनको टच मत कीजिए ज़्यादा, उनको ये नहीं। इसी तरह जो पूरी फलियां हैं, जो पूरी फलियां, जो बीज जब मैच्योर हो जाएंगे तो खुद अपने आप उसी में पक जाएंगे, ब्राउन कलर का पूरा कवर हो जाएगा। ब्राउन कलर का पूरा जब कवर हो जाए तब इनकी फलियों को आप तोड़ लीजिए, क्यों अगर ज़्यादा दिन तक छोड़ेंगे तो ये फलियाँ फट के अपने आप बीज को बाहर कर देती हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हम बीज फलियाँ जब ब्राउन हो जाए तो हम तोड़ के किसी एयर टाइट पॉकेट पे, फलियों में से बीज नहीं निकालेंगे हम, एयर टाइट डिब्बे में या किसी में रख देंगे, उसमें राख मिला के, थोड़ी सी राख मिलाने से ये होता है हमारे प्लांटों के बीजों में कोई ख़राबी नहीं आती, वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर। अक्टूबर नवंबर आए, जैसे कि अक्टूबर या नवंबर की वीक में आप इसको ग्रो कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत आपको फ्लावरिंग मिलने वाली है। तो चलिए, ये मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है। आप इसके अकॉर्डिंग और भी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारी वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना जरूर याद रखिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।